हेलो फ्रेंड, मैं अकबर सरफ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं हमारे घरों में जो मोटर लगा होता है एसी मोटर, उस मोटर के साथ साथ हम घर का लोड चला सकते हैं मात्र 1500 वाट पे। जी हाँ, आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, आपको पूरा जानकारी देने वाला हूँ आप किस तरह सिर्फ 1500 वाट सोलर पैनल पे घर का लोड भी चला सकते हो और साथ में आप एसी मोटर, डीसी का बात नहीं कर रहा हूँ, एसी मोटर जो आपके घरों में लगा हुआ है उस मोटर को चला सकते हो। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है R2 एकेडमी के नाम से। इस चैनल पे क्या है, मैं आर्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ जो कि ऑयल पेस्टर ड्राइंग है या फिर स्केचिंग होता है। अगर आप देखना चाहते हो तो इस चैनल पे विजिट कर सकते हो, जो आपको अभी लोगो शो कर रहा है इस लोगो पे क्लिक करोगे देन आप डायरेक्टली इस चैनल पे पहुंच जाओगे और वहां से आप टोटली वीडियो देख सकते हो जो मैं आर्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आप सर्च करना चाहते हो तो R2 एकेडमी आप लिख के सर्च करोगे देन ऊपर में जो लोगो आएगा ये लोगो देख पाओगे, इसी लोगो पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं, हम इस टॉपिक पे जानते हैं कि किस तरह हम 1500 वाट पे हम सब कुछ चला सकते हैं। पहले आप ये जान लो कि 1500 वाट का अगर हम सोलर पैनल लगाते हैं तो वो कितना एनर्जी देगा एट ए टाइम, तो लगभग ये 900 वाट एनर्जी दे देगा। जी हाँ, 800 से 900 वाट के आसपास जो है, कभी कभी 1000 वाट भी दे सकता है अगर अच्छा सनलाइट रहा और बीच मिड के टाइम में तो 1000 वाट भी दे सकता है। तो कम से कम आपको 900 वाट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब 900 वाट एनर्जी मिल रहा है, अब इस 900 वाट एनर्जी से क्या क्या कर सकते हो। पहले तो आप अगर आपको मोटर चलाना है, 1 HP का मोटर चला सकते हो, 0.5 HP का मोटर चला सकते हो। जी हाँ, इससे ज़्यादा का मोटर नहीं चलेगा, आप 0.5 HP या फिर 1 HP का मोटर जो है डायरेक्टली आप चला सकते हो। तो आपको चलाना है मोटर तो दिन भर तो चलाना नहीं है, आपको हार्डली 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे या फिर एक घंटे तक चलाना होगा मोटर दिन में दो बार, ठीक है। आप दिन में मान लो दो बार आप मोटर चलाना चाहते हो तो आप आधे आधे घंटे करके दो बार चलाओगे तो मतलब एक घंटे में मैं मान लेता हूँ कि एक घंटे आपका मोटर चलने वाला है। तो टोटली अगर एवरेज निकाला जाए कि एक दिन में कितना सनलाइट रहता है तो एवरेज लगभग 7.5 घंटे रहते हैं। ऐसे गर्मी में तो 10-10 घंटे रहते हैं लेकिन मैं एवरेज का बात कर रहा हूँ, जो ठंड और गर्मी को मिला के एक एवरेज बनता है 7.5 घंटा बनता है। तो मैं मान लेता हूँ कि 7.5 नहीं सिर्फ 7 घंटा मानता हूँ कि 7 घंटे तक सनलाइट रहेंगे, उसमें से हमने एक घंटा निकाल दिया किसका, मोटर का, कि जो मोटर हम चलाएंगे सुबह शाम आधे आधे घंटे करके तो एक घंटे हमारा मोटर वाला टाइम चला गया, बचा कितना 6 घंटे। अब 6 घंटे क्या होगा, हम उस एनर्जी से बैटरी में स्टोर कर सकते हैं और बैटरी में स्टोर करके हम उसमें घर में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब हम मोटर चलाएंगे तो उस समय सारा चीज़ बंद कर देंगे, मतलब घर का जितना लोड है वो सब कुछ बंद करके हम डायरेक्टली मोटर चला लिए। जब मोटर चलाना है तो घर का सारा लोड बंद रहेगा, ठीक है, सब कुछ हम बंद कर लेंगे हाफ एन आवर के लिए, हाफ एन आवर सुबह हाफ एन आवर शाम में, तो हम आधे आधे घंटे के लिए बंद कर देंगे और मोटर चला के फिर वापस से हम चला, हालांकि एक दो बल्ब वगैरह आप जला सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं जला सकते हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो बड़ा बड़ा लोड है हम घर का बंद करके मोटर चलाए, फिर मोटर को बंद करके हम फिर अपना घर का लोड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका घर का लोड मान लो कि 500 वाट, 600 वाट, 700 वाट, 800 वाट या 400 वाट, जितने वाट का लोड है इस पर कितने देर बैकअप मिलेगा वो तो अलग टॉपिक है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा, इसी वीडियो से लिंक्ड है वो वीडियो, जो उस वीडियो को आप जरूर देखना, देन आपका आज का टॉपिक और उस वीडियो को देखने के बाद देन आपका सारा कंक्लूजन जो है वो निकल जाएगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा वो वीडियो कौन सा है। अभी जो आपको आई बटन पे दिख रहा है उस वीडियो पे क्लिक करके देख लेना, आपको एंड में देख लेना या फिर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। उसमें मैंने बताया है कि घर का लोड अगर आपका 1 किलोवाट है तो 1 किलोवाट का घर का लोड आपका कितना बैकअप देगा। जी हाँ, 1 किलोवाट का अगर सोलर सिस्टम लगाते हो तो आपका कितना कितना देर बैकअप मिलेगा अलग अलग लोड पे, अलग अलग लोड पे मैंने बताया, इसलिए मैंने बोला 400 वाट, 500 वाट, 600 वाट, 700 वाट, अलग अलग लोड है अगर पर घंटे का तो कितने देर बैकअप मिलेगा। अगर आपका 1 किलोवाट भी लोड है तो उसका भी मैं बताया हूँ उस वीडियो में, आप देख सकते हो, नहीं तो आप 2 किलोवाट का वाला लोड का वीडियो देख लेना, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम ऐसा करते हैं 6 घंटे तक हम सोलर पैनल से डायरेक्टली बैटरी चार्ज करते हैं और 1 घंटे के लिए हम मोटर चलाते हैं तो हम दो इस तरह से हम दोनों चीज़ यूज़ में ले सकते हैं, आपके घर का लोड भी चल जाएगा और आपका मोटर भी चल जाएगा। इसके लिए आपको दोनों मिला के अलग से आपको, जैसे मान लो कि 1 HP का आपको मोटर चलाना हो तो इसके लिए सिर्फ आपको 1000 वाट का पैनल चाहिए होता है। अगर आपको मैं बताऊँ कि आपको सिर्फ मोटर चलाने के लिए 1000 HP का
हज़ार वाट का पैनल चाहिए, ठीक है, और आपको घर का एक किलोवाट का लोड चलाने के लिए भी 1000 चाहिए, यानी आपका ऐसे देखा जाए तो आपका 2 किलोवाट का लोड बन जाता है मिनिमम, ऐसे उससे ज़्यादा भी हो जाएगा। अगर ऐसा रहा तो 1500 वाट तो सिर्फ आपका घर का लोड और 1 किलोवाट आपका मोटर है, तो लगभग 250 वाट का आपका सोलर सिस्टम लगाना पड़ जाएगा। लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ इससे सिर्फ 1500 वाट में आपका दोनों चीज़ चल रहा है। जब आपका मोटर चला रहे हो उस समय घर का लोड बंद रहेगा, जब आप घर का लोड चला रहे हो फिर आपका मोटर बंद रहेगा। इस तरह आप दोनों कर सकते हो सिर्फ 1500 वाट सोलर पैनल पे। आपका पैसे का बहुत बचत हो जाएगा। बस इस कोऑर्डिनेशन को आप याद रखना जो मैंने बताया आपको। अब भी आपका कुछ डाउट रह गया है, कुछ अगर आपको अभी भी दिक्कत हो रही है समझने में कि किस तरह हम कर सकते हैं, देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना, मैं उसका कोशिश करूँगा फिर से अलग एक वीडियो बना के आपको उसका आंसर दूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।